आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इनसिक्योर फायरबेस डेटाबेस। इनसिक्योर फायरबेस डेटाबेस का मतलब ये है कि अगर आपका फायरबेस डेटाबेस प्रॉपर सिक्योरिटी रूल के बिना सेटअप किया गया तो वहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका ये वल्नरेबिलिटी अगर किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन के अंदर हो सकती है, ठीक है, ज़्यादातर ये जो है वल्नरेबिलिटी आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ही मिलती है, ठीक है, क्योंकि बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर फायरबेस का वेब एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। फायरबेस डेटाबेस का ये ज़्यादातर जो है फायरबेस डेटाबेस आपका मोबाइल एप्लीकेशन में ही यूज़ किया जाता है। फायरबेस डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी, इनसिक्योर फायरबेस डेटाबेस की अगर वल्नरेबिलिटी आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मिलती है तो इससे क्या क्या हो सकता है, लाइक आपका डेटा लीकेज हो सकता है, अनऑथराइज कोई भी एक्सेस ले सकता है, और डेटा टेम्परिंग हो सकती है। मतलब कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आकर आपका डेटा को टेम्पर भी कर सकता है, उसमें कुछ अपलोड कर सकता है, रीड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकली जान लेते हैं यहाँ पर, और ये वीडियो पूरे पूरे एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी, ठीक है। इसमें कुछ हम वल्नरेबल एप्लीकेशन पहले से जो डमी एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए हम एक टूल का यूज़ करेंगे, एपीके इजी टूल। ये हमें पहले तो हम जानेंगे कि कैसे पता लगाएं कोई भी एप्लीकेशन के अंदर क्या फायरबेस डेटाबेस का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है बीटल बग, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये टूल क्या करेगा, इस बीटल बग एप्लीकेशन को पहले तो डीकम्पाइल करेगा, क्योंकि ये कंपाइल्ड एपीके है, इसको पूरा का पूरा डीकम्पाइल करेगा, ठीक है। ये हमें इसका सोर्स कोड निकाल के देगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पर डिकोडिंग हो रहा है, ये अपने इसके रिसोर्सेज वगैरह को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, यहाँ पर इसका आउटपुट यहाँ पर शो करेगा हमें। अब इसने डीकम्पाइल कर दिया है इस एपीके को, तो इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। पहले तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन फायरबेस का यूज़ कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पर नोट पैड प्लस प्लस में, ठीक है। तो इसमें हम ओपन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है कंट्रोल एफ से फायरबेस। अगर आप ये चीज़ सर्च करोगे, अगर यहाँ पर इस तरह कुछ आपको मैसेज शो करता है, लाइक इस तरह से फायरबेस प्रोवाइडर वगैरह कुछ भी फायरबेस का शो करता है, तो यहाँ पर आप समझ लेना कि ये फायरबेस का बैकएंड डेटाबेस में यूज़ कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चलना है रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में। रिसोर्सेज में जाने के बाद हमें चलना है वैल्यूज में। यहाँ पर आएगा आपका वैल्यूज। इसके बाद आपको चलना है यहाँ पर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, इसको आपको ओपन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक बार दोबारा से फायरबेस के नाम से आपको सर्च करना पड़ेगा, कंट्रोल एफ से फायरबेस एंटर। तो जैसे ही आप फायरबेस का सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको फायरबेस का डेटाबेस का यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है फायरबेस का डेटाबेस का यूआरएल। तो इस यूआरएल को आपको एक बार कॉपी करना है। ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है ये फायरबेस का यूआरएल है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और अपने चलते हैं ब्राउजर में। ब्राउजर में इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में लगाना है /.json, क्योंकि जो फायरबेस है हम डेटाबेस अपलोड करते हैं वो .json फॉर्मेट में अपलोड करते हैं। अगर इसको हम एंटर करेंगे तो हमें ये शो कर देगा सारा का सारा बैकएंड का डेटाबेस। तो यहाँ पर मतलब कि एक वल्नरेबिलिटी यहीं पर फाइंड हो गई कि जो फायरबेस है वो प्रॉपरली सिक्योरली जो है मेंटेन नहीं किया गया, तो इसकी हेल्प से हम जो है फायरबेस का जो डेटाबेस है वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आप डेटाबेस को रीड करके आप अपने ईमेल्स वगैरह जो यूजर्स होंगे उनके यूजर आईडी, टोकन्स, ईमेल, मैसेज, जो भी उसका डिटेल्स होगी यूजर की डेटाबेस की, तो वो आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लोइट कर सकता हूँ, मतलब कि अगर मैं कुछ चाहूँ तो इस डेटाबेस के अंदर कुछ फाइल को ऐड भी कर सकता हूँ, मतलब कि डेटाबेस को एडिट भी कर सकता हूँ।
तो उसके लिए हमें एक एक्सप्लोइट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पर, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फायर बेस एक्सप्लोइट के नाम से, तो यहाँ पर आपको ये एक्सप्लोइट मिलेगा। इसको आपको अपने विंडोज़ वगैरह में डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो एक पाइथन बेस्ड एक्सप्लोइट है। तो हम चलते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है ये, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, हम यहाँ पर एक आपको कमांड लाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथन और फायर बेस डेटाबेस, इसको करते हैं एंटर। यहाँ पर हमें देना है फायर बेस का डेटाबेस का नेम। अब डेटाबेस का नाम क्या है, अब जो फायर बेस डॉट आईओ से पहले जो जितना भी नेम है, लाइक यहाँ पर हम चलते हैं बीटल बग से लेकर फायर बेस डॉट आईओ तक, इससे पहले जो भी, इसको हम कॉल करते हैं कॉपी, और यहाँ पर करते हैं हम पेस्ट, इसको करते हैं हम एंटर। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि क्या हमें एडिट करना है यहाँ पर। तो हम वही एडिट कर सकते हैं जो पहले से इसमें यूज़र नेम ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिन है इसमें, है टेस्ट है इसमें ऑलरेडी है, फ्लैग है इसमें ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर कुछ भी एडिट कर देते हैं, लाइक हैकर नाम से देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो नल वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर नल हैकर के नाम से कोई भी जो है टेबल नेम या कोई भी कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर एक डेटाबेस के अंदर हैकर के नेम से हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हैकर, एंटर करते हैं। फाइल का क्या नेम देना है आपको, कुछ भी आप यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं फाइल का नेम। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, हम हैकर एट द रेट ABC दे देते हैं। ईमेल आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, हैकर एट द रेट mail.com, एंटर। और वेबसाइट में आप कुछ भी अपना हिसाब से एंटर कर सकते हो, इसको हम करते हैं एंटर। और कोई आपको मैसेज शो कराना है तो हेलो हैकर, और इसको करते हैं एंटर। अब ये जो है हमारा सक्सेसफुली एक्सप्लॉयट हो चुका है, अब यहाँ पर आपको शो कर देगा मैसेज। अब अगर मैं इस यूआरएल को दोबारा से रीलोड करूँगा तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन भी शो कर देगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर अपलोड की एक्सप्लॉयट किया वो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर हम अब चलें यहाँ पर /.json में, इसको हम यहाँ पर चलते हैं, और हमने इस डेटाबेस के अंदर अपने नाम से कुछ भी यूज़र नेम या कुछ भी हम एडिट कर सकते हैं, इसमें अपलोड कर दिया हमने एक और डेटाबेस। तो ये काफ़ी एक क्रिटिकल लेवल की या हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी यहाँ पर मिल सकती है यहाँ पर, अगर आप अपने फायर बेस को जो है प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।